राजनांदगांव जिला से दुर्घटना की खबर सामने आ रही है, जहां चुई खदान थाना क्षेत्र अंतर्गत गंडई मुख्य मार्ग में शराब के नशे में धुत एक ड्राइवर ने स्कूटी पर यात्रा कर रहे मां बेटे को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के अनुसार साजन निवासी संतोषी अपने पुत्र पंकज के साथ झूड़ा नदी कृषि राशि लेने गई थी। काम पूरा होने के बाद संतोषी परिजनों से मिलने के लिए चुई खदान जा रही थी, साथ में उसका बेटा पंकज भी था। तभी कांसी नाला पार करते ही नटराज भोजनालय के पास छुई खदान से गंडई की ओर जा रहे एक वाहन चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए स्कूटी को जोरदार ठोकर मार दिया। फिर वाहन टाटा युद्ध क्रमांक CG08AM2880 दुकान में जाकर के घुस गया। ठोकर इतनी भयानक थी कि मौके पर ही संतोषी और उसके पुत्र पंकज की मौत हो गई। वही घटना के बाद से चालक और परिचालक दोनों फरार हो गए हैं। घटना की जानकारी होते ही चुई खदान पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और वाहन को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को भी सौंप देने की सूचना मिली है। पुलिस टाटा वाहन चालक की पतासाजी कर रही है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।